हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। सफेद चादर से पूरा इलाका ढका है। बर्फ की मोटी परत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी बर्फबारी हो रही है। बर्फ की मोटी परत, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ये बनिहाल बारामूला का रेलवे ट्रैक है। इतनी बर्फ जमी है कि पटरियां भी नहीं दिख रही। प्लेटफॉर्म गायब है, सब कुछ बर्फ से ढका है। ये भारी भरकम मशीन के सहारे बर्फ को हटाया जा रहा है। पटरियों पर जमी बर्फ को साफ किया जा रहा है ताकि इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ सके। बर्फ हटने के बाद पटरी कुछ कुछ दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें बताती है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से जबरदस्त बर्फबारी पड़ रही है। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी लोगों के लिए पहाड़ जैसी चुनौती बन गई है। बद्रीनाथ से आई इस चौंकाने वाली तस्वीर को देखिए। बर्फ का दरिया बह रहा है, ऐसा लग रहा है मानो बर्फ की बाढ़ आ रही हो। ग्लेशियर टूटने के बाद बर्फ का सैलाब बहने लगा। ये वीडियो 17 दिसंबर का है। दरअसल 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक यहाँ जबरदस्त बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। बीआरओ के जवानों ने बद्रीनाथ मार्ग खोलने का काम शुरू किया। इस दौरान बद्रीनाथ NH-58 पर पागल नाले के पास एक ग्लेशियर टूटकर पहाड़ के नीचे आया और सैलाब की शक्ल में भारी मात्रा में बर्फ लेकर बहने लगा। गनीमत रही कि कोई इस हिमस्खलन की चपेट में नहीं आया। बीआरओ के जवानों ने हौसला दिखाया और बद्रीनाथ से जोशीमठ का रास्ता खोल दिया। जबरदस्त बर्फबारी के बीच उत्तराखंड के जोशीमठ की ये तस्वीर आपको चौंका देगी। आसमान से बर्फ गिर रही है लेकिन जमीन के अंदर से धुआं निकल रहा है। जोशीमठ में पारा माइनस में है और इसी जमा देने वाली ठंड के बीच यहाँ एक कुंड भी है जहाँ पानी उबलता रहता है। तपोवन के इस खौलते कुंड को देखने के लिए सैलानियों की भीड़ लग जाती है। -7 डिग्री तापमान में बर्फ के बीच गर्म पानी का कुंड लोगों को हैरान कर रहा है। बेहतरीन, ये कुंड बीच में बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। आप देखिए इसको, खोलिए खोलिए इसमें। ये देखिए, मजे से खा रहे हैं।